नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए छिंदवाड़ा मंडला फोर्ट रेल परियोजना के वो जो बजट दिया गया है 2022 में, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि 1 फरवरी 2022 को देश में आम बजट पेश किया गया है। इस आम बजट में रेल बजट को भी पेश किया गया। इस कड़ी में छिंदवाड़ा मंडला फोर्ट रेल परियोजना को भी उम्मीद से कम बजट दिया गया। वर्तमान में छिंदवाड़ा मंडला रेल परियोजना का कार्य चल रहा है। पिछले बजट में 150 करोड़ रूपए इस रेल मार्ग को दिए गए थे। 150 करोड़ रूपए का बजट मिलने के बाद यहां के कार्य में गति आई थी, लेकिन इस बार 100 करोड़ रुपए मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन 100 करोड़ रुपए में से सिर्फ 67 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जबकि इस रेल मार्ग को अभी 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। रेलवे ने पिंक बुक जारी कर बजट का ब्यौरा दिया है। बजट में छिंदवाड़ा नागपुर रेल परियोजना के लिए 29 करोड़ रुपए दिए हैं। ये परियोजना पूरी हो चुकी है, लेकिन जो कार्य अभी बचे हुए हैं उसे पूरा किए जाने के लिए 29 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2022 को पेश किए गए आम बजट एवं रेल बजट के बाद रेलवे ने 54 पेज की पिंक बुक जारी की है। इस पिंक बुक में किस रेल परियोजनाओं को कितना फंड दिया गया है, इसकी पूरी जानकारी बताई गई है। बजट में छिंदवाड़ा नागपुर रेल परियोजना को 29 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। आपको बताते चलें कि पिछले बजट में इस परियोजना को 150 करोड़ रुपए मिले थे, जिसके कारण कार में लगातार तेजी बन रही थी, जबकि इस बजट में 100 करोड़ रुपए की डिमांड पर 67 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो काफी तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कार में गति बनी रहेगी ऐसा बताया जा रहा है। इनके अलावा अप्रैल तक छिंदवाड़ा मंडला फोर्ट रेल परियोजना का जो कार्य चौराई व भोमा के बीच बचा है उसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में कई स्थानों पर ट्रैक लिंकिंग के साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य अभी अंतिम चरण में चल रहा है। इनके अलावा चौराई से सिडनी तक का जो रेल मार्ग है, इसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। वहीं सिडनी से भोमा तक का 20 किलोमीटर का रेल मार्ग रेलवे विभाग के अनुसार सिडनी से भोमा तक का कार्य पूरा हो चुका है। यहां ट्रैक लिंकिंग बिल्डिंग का कार्य हो चुका है। वर्तमान में जबलपुर से नैनपुर तक ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। वहीं नैनपुर से भोमा तक और छिंदवाड़ा से चौराई तक CRS हो चुका है। वर्तमान में 50 किलोमीटर चौराई से सिडनी एवं सिडनी से भोमा तक का CRS सभी शेष है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल 2022 में छिंदवाड़ा सिडनी नैनपुर होते हुए सीधे जबलपुर तक ट्रेन दौड़ने की संभावना बताई जा रही है। क्षेत्र की जनता तो 2 साल से इंतजार कर रही है कि वहां से नई ट्रेन को शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं किया गया है। इस बार आम बजट जो पेश किया गया है, इस बजट में ट्रेन के परिचालन को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें रेलवे के द्वारा की जा रही है। जैसे ही हमको और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ेगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।